हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ क्लास की जो सेकंड चैप्टर है ए नोबल डॉग, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ए नोबल, नोबल होता है सभ्य या अच्छा, तो सभ्य कुत्ता, ये आज हमारा इस पाठ का सार है कि सभ्य कुत्ता, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रोवर, रोवर वुड गो इन द वॉटर, इन टू द वॉटर, रोवर है वो वाटर में जाएगा। रोवर ये कुत्ते का नाम है। फास्ट इनफ फॉर बाथ, बाथ होता है नहाने के लिए, और स्विम तैरने के लिए। बट ही वुड नॉट ब्रिंग एनीथिंग आउट, परंतु वो कोई भी चीज बाहर नहीं लाएगा। द चिल्ड्रन यूज टू, यूज टू है, यूज टू होता है किया करते थे, यूज टू किया करते थे। थ्रो स्टिक्स, थ्रो स्टिक्स, स्टिक्स फेंकना। एंड रोवर, रोवर आई यूज टू बाउंड इन टूगेदर, बाउंड का मतलब होता है दौड़ना। मैं और रोवर दोनों इकट्ठे दौड़ते थे। बट आई वुड ब्रिंग द स्टिक्स बैक, मैं वापिस स्टिक्स को लाता था। वाइल, जब ही स्वैम राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड होता है गोल गोल तैरना। स्वैम राउंड एंड राउंड, गोल गोल तैरना, जब वो गोल गोल तैरता था, इंजॉयिंग हिमसेल्फ, आनंद लेते हुए। आई एम नॉट वैन, वैन मीन्स होता है घमंडी, मैं घमंडी नहीं हूँ। बट आई कुड नॉट हेल्प फीलिंग हाउ मच सुपीरियर, बट मीन्स परंतु, आई कुड नॉट हेल्प, कुड नॉट, मैं सहायता नहीं कर सकता था, फीलिंग हाउ मच सुपीरियर, सुपीरियर होता है से अच्छा, चाहे मुझे कितना अच्छा लगे फिर भी मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकता था। सुपीरियर होता है से अच्छा। आई वॉज टू सच अ डॉग एज रोवर, एज रोवर, रोवर जैसा डॉग। ही इज अ प्राइज न्यू फोर्डलैंड, प्राइज मीन्स होता है इनाम, और न्यू फोर्डलैंड, न्यू फोर्डलैंड जो है ये एक लार्ज डॉग यूज टू रेस्क्यू पीपल हु आर ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग जो पीपल होते हैं डूबते लोगों को बचाने के लिए, जिसको बोलते हैं होता है डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए जो डॉग्स होते हैं उनको न्यू फोर्डलैंड डॉग बोलते हैं। वो कैसा डॉग है कि न्यू फोल्डर डॉग है। एंड आई एम ओनली, मैं सिर्फ हूँ, हम्बल रिटायर ऑफ ऑब्सक्योर फैमिली। हम्बल होता है सभ्य, और रेट्रीवर होता है कुत्ता, एक सभ्य कुत्ता ऑफ हम ऑब्सक्योर फैमिली, सामान्य परिवार का एक सभ्य कुत्ता। ऑब्सक्योर होता है सामान्य, तो फैमिली होता है परिवार। सो वन डे, एक दिन, आई सेड टू रोवर, मैंने रोवर को कहा, व्हाई डोंट यू फैच, फैच होता है कोई चीज को जाकर लाना, उसको होते हैं फैच। आप नहीं गए, लाने नहीं गए द स्टिक्स, स्टिक्स को आउट बाहर से। व्हेन द चिल्ड्रन थ्रू इट इन, जब बच्चों ने उन स्टिक्स को फेंका तो आप स्टिक्स लाने क्यों नहीं गए। आई डोंट केयर अबाउट स्टिक्स, मैं स्टिक्स की कोई केयर, ध्यान नहीं, स्टिक्स की तरफ ध्यान नहीं देता, ही सेड, उसने कहा। बट इट्स सो ग्रांड, बट इट्स सो ग्रैंड, परंतु ये बहुत अच्छा, क्लेवर टू बी एबल टू फैच आउट देम, परंतु ये बहुत अच्छा होता है यदि आप उनको जाकर लाते। इज इट, क्या ये, ही आस्क्ड, उसने कहा। आई नो, मैं जानता हूँ, इट इज ये, फॉर चिल्ड्रन टेल मी सो, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, टेल बताना, मुझे बच्चों ने मुझे इसके बारे में बताना था। टू दे, क्या उन्होंने बताया, ही आस्क्ड, उसने कहा। आई वॉन्डर, मैं हैरान था, यू आर नॉट ए असेंबल, शर्मिंदा, यू आर नॉट असेंबल, आप शर्मिंदा नहीं हो। आई वेंट ऑन, मैं चला गया ए लिटल, थोड़े समय के लिए, ए लिटल नेटल्ड बाय हिज मीकनेस, नेटल्ड होता है गुस्सा हुआ, नेटल्ड क्या होता है गुस्सा हुआ, और मीकनेस होता है नरम स्वभाव, मैं उस नरम स्वभाव के साथ उससे गुस्सा हुआ। नेवर टू डू एनीथिंग यूजफुल, नेवर होता है कभी नहीं, एनीथिंग यूजफुल लाभदायक। आई शुड बी, इफ मुझे ऐसा करना चाहिए, आई वर यू, यदि मैं आपकी जगह होता, आई वर यू आपकी जगह होता। ए अरे, ही सेड, उसने कहा। बट यू सी यू आर नॉट, आप देखती हो कि आप वहां नहीं थे। गुड नाइट, गुड नाइट। वी यूज टू स्पेंड ए ग्रेट डील ऑफ टाइम बाय द रिवर, वी यूज टू, यूज टू तक किया करते थे, हम बहुत अच्छा समय बिताया करते थे कहाँ पे, रिवर मीन्स नदी में। द चिल्ड्रन लव टू प्ले, द चिल्ड्रन
लव टू प्ले देयर, देयर होता है वहां, बच्चे वहां खेलते थे। एंड और वी डॉग्स, हम कुत्ते, वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू गो विद देम, हम डॉग भी चाहते थे कि हम भी उनके साथ जाएं। वन डे, एक दिन, एज आई वॉज लाइंग एज स्लीप, लाइंग होता है लेटा हुआ, एज स्लीप होता है गहरी नींद में। एक दिन मैं गहरी नींद में लेटा हुआ था, ऑन द वॉर्म ग्रास बाय द रिवर बैंक, मैं नदी के किनारे गरम गरम घास पर लेटा हुआ था। आई हर्ड ए स्प्लैश, स्प्लैश होता है जब हम पानी में जब छलांग मारते हैं तो जो पानी के अंदर से आवाज आती है, चिपक की जो आवाज आती है उसको बोलते हैं स्प्लैश। आई जंप, मैं कूदा इन पानी में, बट देयर वॉज नो स्टिक, पानी में कोई स्टिक्स नहीं थी। ओनली वन ऑफ द चिल्ड्रन फ्लोटिंग, फ्लोटिंग तैरना, एक बच्चा तैरा था डाउन ऑन द स्ट्रीम, नदी के ऊपर। एंड स्क्रीमिंग, स्क्रीम मतलब चिल्ला रहा, और चिल्ला रहा था व्हेन एवर, जब हिज हेड केम फ्रॉम अंडर द वाटर, जब उसका जो सर है वो पानी से बाहर आया तो वो लड़का पानी में चिल्ला रहा था। आगे नेक्स्ट, आई थॉट, मैंने सोचा, इट वॉज ए न्यू काइंड ऑफ गेम, मैंने सोचा कि एक प्रकार का क्या है, गेम है, विच वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, जो कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। सो आई स्वैम आउट अगेन, इसलिए मैं दोबारा तेरा, एज जस्ट जैसे ही, आई वॉज शेकिंग द वॉटर, शेकिंग होता है हिलाना, वॉटर होता है पानी, आउट ऑफ माई ईयर्स, कानों से, क्योंकि कुत्ता कुत्ता जो है पानी में तैरा था, उसने कहा कि जैसे मैं अपने कानों से जो है पानी को हिला रहा था, आई हर्ड, मैंने सुना, अनदर ग्रेट स्प्लैश, दूसरे पानी में छलांग मारने की आवाज को सुना। एंड देयर, और वहां पर वॉज रोवर इन द वॉटर, पानी में कौन था, रोवर था, होल्डिंग ऑन टू चाइल्ड्स ड्रेस, जिसने बच्चे की क्या पैर पकड़ रखी थी, ड्रेस पे पकड़ रखी थी। ही पुल्ड हिम आउट 10 yards डाउन द स्ट्रीम, वह उसे नदी से जो 10 कदम बाहर खींच कर ले आया। एंड ओ, अरे यू, इफ यू कुड हैव सीन द फर्स्ट, फर्स्ट होता है गड़बड़, यदि आपने गड़बड़ को देख ली थी, दैट की द मास्टर एंड द मिस्ट्रेस, मास्टर और मिस्ट्रेस थे मालक और मालकिन, द रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, बचे हुए बच्चे, मेड ऑफ दैट ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉटेड पर्सन, ब्लैक और व्हाइट जो है कलर, जो स्पॉटेड होते हैं धब्बे, ब्लैक और व्हाइट स्पॉटेड, ब्लैक और व्हाइट जो है धब्बे। वाई रोवर, रोवर क्यों नहीं, आई सेड आफ्टरवर्ड्स, मैंने इसके बाद कहा, व्हेन वी हैड नॉट होम, जब हम घर पे नहीं थे, एंड वर टॉकिंग इट ओवर, जब इसके बारे में बात करे थे, व्हेन यू मेड यू थिंक दैट द चाइल्ड वॉन्टेड टू पुल्ड आउट ऑफ द वॉटर, द चाइल्ड वॉन्टेड, बच्चा चाहता था टू बी पुल्ड आउट ऑफ द वॉटर, कि बच्चा चाहता था कि उसे पानी से बाहर खींच लिया जाए। इट्स माई बिजनेस टू पुल, ये मेरा भी एक व्यवसाय बिजनेस है, टू पुल खींचना, आउट ऑफ वॉटर पानी से बाहर खींचना मेरा एक बिजनेस है, ही सेड, उसने कहा। बट परंतु, आई सेड, मैंने कहा, आई ऑलवेज थॉट, मैं हमेशा सोचता था, वर यू टू स्टूपिड, मैं सोचता था कि आप स्टूपिड क्या होता है, मुंह रखे, कि आप मुंह रखो, टू अंडरस्टैंड थिंग्स, कि आप किसी भी चीज को समझने में बहुत मुंह रखो, मैं ऐसी बातें सोचता था। डिड यू, क्या आप सोचते थे, ही सेड टर्निंग हिज माइल्ड आइज ऑन मी, माइल्ड होता है सभ्य, ही सेड टर्निंग टर्निंग हिज माइल्ड आइज ऑन मी, मेरी तरफ सभ्य आंखों की तरफ देखते हुए उसने कहा, वाई डिड नॉट यू एक्सप्लेन, आपने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया टू मी दैट यू माई माई डियर डॉग, मेरे प्रिय डॉग, ही सेड, उसने कहा, आई थिंक इट वर्थ वाइल, वर्थ वाइल होता है सही, कि ये सही है, वर्थ वाइल सही है, टू फेच स्टिक, स्टिक्स को जाकर लाना, आउट ऑफ वाटर पानी से बाहर निकालना। एंड और आई नेवर थिंक इट, मैं इसके बारे में नहीं सोचता हूँ, वर्थ वाहिल, वर्थ वाहिल का मतलब होता है सही, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन होता है वर्णन करना, थिंग्स टू स्टूपिड पीपल, मूर्ख लोगों की चीजों का, जो इस तरह के कार्य करना, ये मूर्ख लोगों की चीजों का वर्णन करने के समान है। तो ये आपकी स्टोरीज थी, इसको जो है एडिथ नेस्बिट ने राइट किया हुआ है, और ये कौन से पुसी एंड डॉगी जो एक पार्ट से इस पोएम चैप्टर का उसे लिया गया है ये। तो उसके बाद में नेक्स्ट हम इसके वर्ड भी देखते हैं, वर्ड मीनिंग है, पहला है बीड्स, बीड्स का मतलब, सॉरी ब्रिड्स, ब्रिड्स का मतलब होता है प्रजातियां, ब्रिड्स क्या होती हैं, प्रजातियां।
इनफ इनफ मीन्स काफी, यूज टू ऐसा किया करते थे, बाउंड बाउंड मीन्स तोड़ना, वैन वैन मीन्स होता है घमंडी, स्पेरियस स्पेरियस मीन्स से अच्छा, हम्बल हम्बल होता है निम्न प्रदर्शन, लो रैंक, रेट रिवर होता है कुत्ता, और ऑब्सक्योर होता है सामान्य, और रिट्रीवर होता है एक प्रकार का कुत्ता होता है, ये फैच फैच होता है जाकर लाना, फैच क्या होता है जाकर लाना, असेम्ड असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, और नेटल नेटल का मतलब होता है गुस्सा हुआ। इसका नेक्स्ट जो है इसका है मीकनेस, मीकनेस होता है नरम स्वभाव, ए ग्रेट डील होता है काफी, फर्स्ट फर्स्ट मीन्स गड़बड़, आफ्टर वर्ड्स होता है बाद में, और वट इवर होता है जो कुछ भी। नेक्स्ट है आगे माइल, माइल्स मीन्स सभ्य, आगे है वर्थ वाइल मीन्स सही। ये तो थे आपके वर्ड मीनिंग्स जो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द टू डॉग्स टू वैन यूर, क्या किया टू डॉग्स ने, क्या किया दे बॉन्ड इन ईच अदर, तो क्या इसका वन डे एक दिन दे ब्रिंग आउट स्टिक्स बैक थ्रोन द बाय द चिल्ड्रन, वो क्या किए एक दिन वो चिल्ड्रंस के द्वारा फेंकी गई लाठी को उठाकर लाए, वेल अदर स्वयं राउंड एंड राउंड, जबकि दूसरे क्या कर रहे थे राउंड एंड राउंड क्या कर रहे थे स्विंग कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है आगे जो इसका क्वेश्चंस देखेंगे, हाउ डिड द नरेटर इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस होता है इंट्रो करना इट सेल्फ स्वयं का एंड द अदर डॉग कुत्ते का, उसने या खुद का इंट्रोड्यूस उन्होंने कैसे किया, द नरेटर इंट्रोड्यूस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हिमसेल्फ खुद का एज ए हम्बल रिटायर ऑफ ऑब्सक्योर फैमिली एंड वाइल्ड द अदर डॉग एज प्राइज न्यूफाउंडलैंड। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द नरेटर, नरेटर के अकॉर्डिंग शुड रोवर बी असेंबल, किस चीज को शर्म आनी चाहिए, किस चीज को शर्म होनी चाहिए उसको, अकॉर्डिंग टू द नरेटर, नरेटर के अकॉर्डिंग द रोवर शुड बी असेंबल ऑफ नॉट पिकिंग द स्टिक्स बैक, कि जो है उसको स्टिक्स नहीं उठानी चाहिए। व्हाई डिड द डॉग स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम बाय द रिवर, व्हाई डिड द डॉग्स, डॉग्स ने स्पेंड जो है टाइम स्पेंड क्यों किया कहाँ पे रिवर पे, कि उसने काफी टाइम जो है अपना वो रिवर पे स्पेंड क्यों किया, इसका ये देखो बिकॉज, क्योंकि द चिल्ड्रन लव टू प्ले, जो चिल्ड्रन थे वो क्या करते थे लव्ड करते थे किसे खेलने में, बाय द रिवर नदी के किनारे खेलना बच्चे पसंद करते थे, एंड द डॉग्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू गो विद देम, और कुत्ते भी उनके साथ जाना पसंद करते थे। हाउ डिड द टू डॉग्स, दो कुत्ते रिएक्ट टू द चाइल्ड स्क्रीनिंग, जब बच्चा चिल्ला रहा था तो टू डॉग्स ने क्या रिएक्ट किया, वन डॉग थॉट दैट, एक सोचा इट वॉज ए न्यू काइंड ऑफ गेम, उसने सोचा कि एक नया प्रकार का कोई खेल है, बट द डॉग दूसरा डॉग कौन सा रोवर इन द वॉटर होल्डिंग ऑन टू द चाइल्ड, दूसरे कुत्ते ने क्या कर लिया उस बच्चे की ड्रेस को पकड़ के उसको बाहर निकाल लिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, व्हाट डिड रोवर, रोवर नेवर थिंक, नहीं सोचा वर्थ वाइल टू डू, तो रोवर थॉट नेवर थॉट दैट इट वर्थ वाइल टू एक्सप्लेन थिंग्स, कि चीज को एक्सप्लेन करना टू स्टूपिड पीपल, मूर्ख लोग। तो ये थी आपका सेकंड चैप्टर जिसको हमने रीड करके देखा। तो बच्चों आप सभी ने इस चैप्टर को पहले 2 से 3 बार अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ इसको रीड करना है, और इसके बाद में इस लेसन के जो ये वर्ड मीनिंग कराए गए हैं आपको, इस वर्ड मीनिंग को और क्वेश्चन आंसर को फेयर नोटबुक में अच्छी हैंड राइटिंग के साथ राइट करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।